हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य 26,000 एक भर्ती प्रक्रिया, आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगी, हम सभी उससे जो है प्रभावित होने वाले हैं, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो जेटेट हो, दोनों ही पास वाले कैंडिडेट जो है इससे प्रभावित होने वाले हैं। अब देखिए हुआ क्या कि इलेक्शन नज़दीक आ चुका है, और इलेक्शन नज़दीक आने के बाद हेमंत सोरेन के अंदर जो है एकदम से जनता के लिए जो है भावना जाग गई। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है जनता का वोट अपने तरफ किया जाए। और देखो मैं एक बात बताता हूँ, पता नहीं कितने लोगों को ये सही मैसेज के तौर पर पहुंच पाएगा या नहीं। अभी सरकार ने 1,000 रुपये जो है 21 साल से लेकर के 50 साल तक की महिला को देने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अच्छी बात है, आप महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हो, लेकिन ये ठीक इलेक्शन से ठीक दो महीने पहले ही आपको जो है अंदर ये जो आत्मा है ये कहाँ से जाग जाती है, 5 साल तक आप क्या कर रहे थे। तो ये जो है, और एक और बात है, देखो 1,000 रुपये आपको ये सरकार दे रही है आपके घर के महिलाओं को, लेकिन इससे आपको नहीं लग रहा कि समाज को नपुंसक बनाया जा रहा है। सरकार के द्वारा 1,000 रुपये आपको दिया जा रहा है, अगर आपके घर में एक जॉब हो जाएगी तो आप 30,000 से 40,000 रुपये मिनिमम कमाओगे। बताओ कहाँ 1,000 रुपये में आप बेवकूफ़ बन रहे हो, कहाँ 1,000 रुपये आपको जो है 30,000 रुपये मिलेगा, और यहाँ कहाँ आपको 1,000 रुपये में, मिनिमम 30,000 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं। तो इससे देखिए सरकार जो है आपके भावनाओं के साथ खेल रही है, पहली बात। अब आप बोलोगे, कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आते हैं और वो मुझे बीजेपी का एजेंट बताते हैं और बोलते हैं क्या बीजेपी से तुमने पैसा खाया है क्या। तो देखिए बीजेपी और JMM के सरकार में मुझे किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं दिखता है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, मध्य प्रदेश में भी देखिए यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या लाडली बहन योजना शायद 1,000 रुपये की वहाँ भी आई थी, तो उसी योजना को कॉपी किया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा। तो देखिए सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन झारखंड में सिंस JMM की सरकार है, अकाउंटेबिलिटी JMM की है, और JMM अगर ऐसा कदम उठाती है तो यू आर राइट पर्सन टू डिसाइड हु इज बेटर। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कौन अच्छा है और कौन बुरा। अब मैं आपको बताता हूँ, 6/8/2024 को सुप्रीम कोर्ट गई थी हेमंत सोरेन की सरकार, और सरकार की ओर से ये पहला सही कदम था। लेकिन मैं बताऊंगा, सरकार अगर चाहती ना तो ये सारा मसला ही नहीं क्रिएट होता। मैं 1,000 वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि अगर झारखंड में पहले एक टैट की परीक्षा ले ली जाती और फिर सहायक आचार्य की एग्जाम को जो है कंडक्ट कराया जाता ना, तो ये जो भी रायता फैला है जिसको समेटने में सरकार लगी हुई है, या आप परेशान हो, आप 4 अलग अलग सिटी में जाकर एग्जाम दिए हो या फिर एक ही सिटी में 4 बार एग्जाम देने के लिए गए हो, ये परेशानी उन बेटी और बहनों से पूछिए ना जिनको बार बार बाहर जाने में समस्या हुई है, टिकट नहीं मिल रहा है, लोग परेशान होकर जा रहे हैं। तो ये जो मसला है इसके बावजूद भी आप अनसर्टन हो। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उनके घर में जो है बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं और बच्चों के भी बच्चे हो गए, उनको वो संभाल रहे हैं, उसके बावजूद एग्जाम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी वो क्या है, अनसर्टन है कि उनकी नौकरी होगी या नहीं होगी। कोर्ट के एक डिसीजन से सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो ऐसे में आदमी पढ़ाई कैसे कर पाएगा। आपको सर्टनिटी ही नहीं होगी कि आपकी एलिजिबिलिटी है अथवा नहीं, तो कैसे होगा। तो फिलहाल देखिए, जिसका डर था वही हुआ। और देखो यहाँ पे मैंने एक टाइटल थंबनेल पे लगाया था कि सीटेट जीत रहा है या जेटेट जीत रहा है, मैं तो कहूँगा कि दोनों ही हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं भाई, देखो जेटेट बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं यहाँ के कैंडिडेट एग्जामिनेशन के लिए, सीटेट वाले भी कर रहे हैं, जिन्होंने 2017 में बीएड कर लिया था या फिर 18 में बीएड कर लिया था या 19 में कर लिया था, वो भी तो इंतजार में ही है झारखंड के एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए सीटेट भी हार रहा है और जेटेट भी हार रहा है, क्योंकि समय आपका बर्बाद हो रहा है। और अगर किसी तरह से सब कुछ अगर अमंगल रहा और किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से अगर ये ऑर्डर आ गया कि इस भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द करा के फिर से जो है जेटेट का एग्जामिनेशन लेकर जो है तैयारी करो, तो फिर क्या होगा सपोज करके देखो। वो बोलते हैं ना कि पुनः मुस्को भवः, संस्कृत में कहावत है, फिर से आप जो है चूहा बन जाओगे। तो ये बातें हैं। अब देखिए कोर्ट की ओर से जो ऑर्डर आया है, जिसका डर था मुझे, फाइनली वही हो गया। क्या हुआ है यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखिए कोर्ट नंबर 8 में जो है सुनवाई होने वाली थी, कब, यहाँ से देख लीजिए डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। ये देखो यहाँ पे 6/8/2024 को परिमल कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड का जो है ये हुआ था। अब फाइनली देखो आज के केस में 6 तारीख वाले जो 6 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि कुछ भी नहीं हुआ है। जी हाँ, तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही फॉल्स हो गया, लेकिन सिंस आई जस्ट वॉन्ट टू स्प्रेड अ मैसेज, आप लोगों के लिए मैसेज था कि मैसेज आपको देना जरूरी है कि सरकार के ट्रैप में मत आए। अभी आपको लग रहा होगा कि सीटेट के लिए जो है सरकार कोर्ट केस करने के लिए चली गई है, सीटेट के लिए जो है हेमंत सोरेन के दिल में बहुत बड़ा जो है स्थान है, तो बिल्कुल आप गलत हो। आपको आपका जो है बेवकूफ़ बनाने की जो है प्रक्रिया ये चल रही है, क्योंकि शुरू में तो सरकार ने पूरी तरह से, और आपको याद होगा जगन्नाथ महतो हमारे शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, हमारे क्या आप सभी के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि सीटेट होता क्या है, आई डोंट नो सीटेट,
वो सिर्फ एक ही टर्म को जानते थे जिसका नाम था जेटेड। उनका कहना था कि हम लोग सिर्फ जेटेड वाले को नौकरी देंगे, और वो इंसान आज धरती पर है नहीं। जेएमएम की ओर से और भी नेताओं से मिला गया, जेएमएम सरकार में थी, लेकिन जेएमएम के किसी लोगों ने जो है सीटेट की नहीं सुनी, एक नहीं सुनी हम लोगों की। और हम लोगों को फिर हाईकोर्ट में जाना पड़ा, और हाईकोर्ट की ऑर्डर की वजह से हम लोग यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में जो है आ पाएँ। तो ये चीज़ें थी। अब देखिए क्या होता है इसको लेकर, जो भी डिसीजन या सरकार जो भी डिसाइड करती है, एक्चुअली सरकार के पास अब बार्गेनिंग पावर है नहीं, अब सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी डिसीजन आएगा, और मैं एक बात बता देता हूँ आपको, देखिए सुप्रीम कोर्ट आपके सरपंच की तरह नहीं है, या फिर आपके गांव में जो पंचायत लगती है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये समझना मेरी बात को। आपको ये लॉन्ग टाइम लगने वाला है। अगर मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल बताऊं तो केबीएस का केस आपको पता होगा, एक साल छः महीने जो है, छः महीने तो सिर्फ डिसीजन को रिजर्व करके रख लिया गया था, बाद में जो है बीएड वाले को पीआरटी से बाहर किया गया था। तो ऐसे में आप इंतज़ार करिए, और मैं आपको बता दूँ ये साल भर भी लग सकता है, वन ईयर भी आपको लग सकता है, वन ईयर का भी टाइम आपको जो है यहाँ पे देना पड़ सकता है, और ये लंबा भी चल सकता है उससे भी, मोर देन दैट। तो देखिए चीज़ें क्या होती है, और हेमंत सोरेन का दाव सीधा पड़ता है या उल्टा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इंतज़ार में आप बिल्कुल नहीं रहें, हो सकता है कि, देखो मैं क्लियरली बताता हूँ, आप अगर कोई और KBS NBS की भी तैयारी कर रहे हो, अगर उसका एग्जामिनेशन आता है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई देयर, क्योंकि झारखंड में आप जेटेड का भी एग्जाम दें, डेफिनेटली आप अभी फॉर्म आया हुआ है, इसको लेकर भी मैं क्लासेस वगैरह लेकर आ रहा हूँ, तो जेटेड की तैयारी आप करें, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है वो बरकरार रहेगी, 365 दिन बरकरार रहने वाली है, एक साल से भी जो है ज़्यादा का वक्त लग सकता है। हो सके भगवान से, आप जिसमें भी बिलीव करते हो, अल्लाह में बिलीव करते हो, या फिर आप जो है क्रिश्चियन हो तो फिर आप यीशु मसीह में बिलीव करते हो, तो वहाँ पे प्रे कीजिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। जो भी डिसीजन आए फाइनली आ ही जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा इस वीडियो में। आप लोग जो भी जहां से भी इस वीडियो को वॉच कर रहे थे, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए देवघर झारखंड से बना रहा था। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वीडियो को लाइक करने से क्या होगा, और लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो लोगों को अवेयरनेस फैलेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आई रियली डोंट नो आप किसके इंतज़ार में हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो केस वाला इमेज वगैरह है ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, वहाँ पे आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे ये सारी सुविधा मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लगभग 12,000 जो हमारे फैमिली में सदस्य हैं, आप हो, आपके दोस्त हैं, सभी लोग यहाँ पे शामिल हैं, तो मेक श्योर आप भी यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। 11.6 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इतने हज़ार लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए, और जो भी अपडेट है उसका फायदा आप लेंगे। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे। इसी तरह से पढ़ते रहें और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, कोई आपको पीछे से रोक नहीं सकता है, पीछे से आपको जो है खींच के जो है आगे जाने से रोक नहीं सकता है। पढ़ते रहें और खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें। थैंक यू सो मच।